प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ तथा दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आचार्य भगवती प्रसाद सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन समारोह का आयोजन कॉलेज के सभागार में किया गया। इस मौके पर गोष्ठी में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभाने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। समापन समारोह के विषय बिंदु अनुसंधान शोध और सृजन विषय पर विशिष्ट वक्ता के रूप में बोलते हुए डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे ने कहा कि डॉक्टर सिंह बहुत बड़े संपादक और शोधकर्ता थे। 19वीं सदी में वे स्वयं बनादास बन अपना उद्धार करने आए थे और उन्हीं की ग्रंथों की खोज कर अपना शोध कार्य किया और उन्होंने कविराज गोपीनाथ तथा हनुमान प्रसाद पोद्दार की जीवनी लिखी और मनीषी की लोक यात्रा इनके जीवन की अक्षय कृति बन गई। आचार्य भगवती प्रसाद के संबंध में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मध्यकालीन भक्ति साहित्य खासकर राम भक्ति काव्य परंपरा के पथिकृत आचार्य थे। अनुसंधान संपादन पांडुलिपियों की खोज समुचित संरक्षण आलोचना संतों के प्रति सहज अनुरक्ति तथा शिष्यों के प्रति अनन्य वात्सल्य भाव के लिए वे सुविख्यात रहे हैं। संगोष्ठी में मुख्य रूप से डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे हिंदी विभाग के डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव डॉक्टर विभा सिंह डॉक्टर चारू शिला सिंह डॉक्टर राकेश कुमार डॉक्टर राजचरण शाही सहित अन्य शिक्षक और प्रतिभागी व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा इस सत्र में हो रहा है अमिता दुबे जी के द्वारा हमें नई राह दिखाते हैं। डॉक्टर सिंह अनुसंधान का काम डूब कर करते थे, पूरी श्रद्धा से पूरी तल्लीनता से करते थे और उसके लिए वो दाम दम जिसको कहते हैं लोक जीवन में सब खर्च करते थे। वो चर्चा भी आई है कि भूषण रामायण में उदय प्रताप जी ने अभी अभी चर्चा की है कि मोरभा होता था तो प्रचुर धन व्यय करते थे शोध के लिए। लंबी लंबी यात्राएं करते थे, कष्ट सहते थे, कुछ सही गलत भी करते थे। उसका मैं साक्षी हूँ कि लक्ष्मण पीलाधीश के यहाँ मैं पहुंचा था अपने शोध के सिलसिले में तो उन्होंने दुदकारते हुए मुझसे कहा था कि भाई आप एक चोर गुरु के चेला हैं, मैं कोई मदद आपकी नहीं कर सकता क्योंकि उनके यहाँ से गुरु जी ने किस यत्न से वो ग्रंथ प्राप्त किया था उसकी अभी अभी चर्चा हुई है डॉक्टर कन्हैया सिंह ने की है। तो वो सही गलत भी करते थे क्योंकि उभय प्रबोधक रामायण या दिग्विजय भूषण जैसी किताब या भूषण रामायण जैसी किताब लाल पीले वेष्टन में बांधकर ताखा पर रखकर अगरबत्ती दिखाने के लिए नहीं है। वो किसी विश्व प्रसिद्ध लाइब्रेरी में होना चाहिए, शोध संस्थान में होना चाहिए, उस पर अनुसंधान किया जाना चाहिए, उसका अनुशीलन होना चाहिए, संपादन होना चाहिए और लोगों के सम्मुख उसे उपस्थित किया जाना चाहिए। तो प्रोफेसर सिंह का ये सब कार्य था और जिस तरह से प्रोफेसर लाल ने और जो बचा खुचा रह गया था मुझे खुशी है कि विद्वान लोग कैसे स्वीकार करते हैं किसी दूसरे को सही मायने में। जो संस्कारवान विद्वान है जो संस्कार प्रोफेसर लाल को मिला हुआ है तो अभी बाहर प्रोफेसर लाल ने मुझसे कहा है कि देखिए पांडे जी आप मेरी तारीफ करते हैं अच्छा बोलते हैं खूब बोले लेकिन मुझसे जो चीज छूट गई थी उसको उदय प्रताप जी ने कैसे पूरा कर दिया है। तो जो राम काव्य परंपरा है या जो भक्ति की परंपरा है तो बहुत अच्छा बोले प्रोफेसर लाल, खूब विस्तार से बहुत गहराई से उन्होंने अपनी बात रखी लेकिन कहाँ उद्भव हुआ भक्ति का, कैसे दक्षिण से उत्तर आई, कैसे आद्वार भक्त मस्त होके गाते थे, कैसे कबीर ने उसका पल्लवन किया उत्तर में फैली और कैसे उसका शास्त्र बना, वो सारा उदय प्रताप जी ने मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आपको भी अच्छा लगा होगा उदय प्रताप जी ने बखूबी उसको रखा और प्रोफेसर लाल के उस उत्तम व्याख्यान में और उत्तमता पैदा कर दी उस पूरी भक्ति की परंपरा को अभी अभी यहाँ व्याख्यान करती। तो ये होता है, ये मास्टरी होती है, ये कमांड होता है और हर आदमी हर चीज का ज्ञाता नहीं होता। यहाँ बहुत बड़े विद्वान थे प्रोफेसर रघुवीर सिंह पॉलिटिक्स के, प्रोफेसर उदयराज राय ला के, प्रोफेसर उजागर सिंह भूगोल के और क्या क्या, प्रोफेसर बी एस पाठक को क्या कहना, लेकिन सबकी अपनी सीमा होती है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ और दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में आचार्य भगवती प्रसाद सिंह के कृतित्व और व्यक्तित्व पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आज 10 जनवरी है, आज उनकी पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर उनको नमन करने की दृष्टि से 9 और 10 जनवरी का
यह दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया। मूलतः प्रोफेसर भगवती सिंह जी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के यशस्वी आचार्य रहे हैं और उन्होंने हिंदी साहित्य की जितनी सेवाएं की हैं और जो सौम्यता, जो सहजता पठालोचन, संपादन, शोध, नियोजन, जो उनकी अभूतपूर्व क्षमताएं थीं, उनको लेकर के ये चर्चा हो रही है और यह चर्चा आज इस समय अंतिम दौर में है। समापन सत्र आयोजित किया जा रहा है और इस सत्र में शोध, संपादन और सृजन, यही विषय रखा गया है। जहाँ तक हमारे अतिथियों का प्रश्न है, प्रोफेसर सदानंद गुप्त जी, कृष्णचंद लाल जी, वेद प्रकाश पांडे जी, इन सबको आचार्य भगवती प्रसाद सिंह का सानिध्य मिला था, आशीर्वाद मिला था। एक अपने गुरु के प्रति इन शिष्यों ने भी यह बेहतर समझा कि इस अवसर पर वो अपना उद्बोधन दें, संबोधन दें और अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, आचार्य रामदेव शुक्ल जी, डॉक्टर कन्हैया सिंह जी, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी, डॉक्टर अनंत मिश्र जी, ये सभी का उद्बोधन हुआ है और प्रतिभागता इस समय 100 से ऊपर की हो चुकी है। एक सफल संगोष्ठी है ये और महाविद्यालय के लिए भी एक बहुत गौरव का क्षण है, क्योंकि आचार्य भगवती प्रसाद सिंह जी इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे और गोरक्षपीठ के प्रति उनका स्नेह, उनकी भक्ति भावना भी अनन्य थी। तो इसलिए हमें लगता है कि प्रोफेसर भगवती प्रसाद सिंह जैसे आचार्यों का, जिन्होंने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है, न केवल अपने साहित्य के क्षेत्र में, अपने निर्धारित क्षेत्र में, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी, तो इनके उस पर भी विचार विमर्श होना चाहिए और इससे हमें और हमारे साथ साथ हमारी युवा पीढ़ी को भी कहीं ना कहीं एक दिशा प्राप्त होती है।